हाय गाइस, फाइनली लाइव आ गया मैं। हेलो भाई, बड़े दिनों बाद सोचा आप लोगों से बातें कर ली जाए। क्या चल रहा है बताओ? बिग फैन भाई। हाय हाय अंकुर, हाय करण। वीडियो का भाई की भाई, नई वीडियो प्लान कर रहे हैं यार। मतलब लॉकडाउन में थोड़ा मुश्किल हो जाता शूट करना, बट जैसे तैसे कम लोगों में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। बरखा की जोड़ी मस्त लगती है। बरखा दी आ रही है, यही खड़ी है बरखा दी। मेकअप वेकअप करके अभी हमें ज्वाइन करेंगे। आप बताओ क्या चल रहा है गाइस? भाई पता चला कैरी की वीडियो डिलीट हो गई। अरे हाँ यार, मतलब मैंने न्यूज़ पढ़ी, मतलब कैरी की वीडियो डिलीट हो गई है। काफी सैड है यार, मतलब कुछ बंदा इतनी मेहनत करता है और वीडियोस भी काफी मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी, तो काफी सैड है ये होना। भाई कैरी की वीडियो मस्त, वीडियो टेक डाउन कर दिया, गालियां दिया करो, चैनल हिट हो जाएगा। नहीं भाई, मैंने उसकी ज्यादा वीडियोस नहीं देखी है, मतलब देखी है वो वाली वीडियो भी मैंने स्पेशली देखी थी, बट एज सच मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं। मैं साइमन की वीडियोस फिर भी मतलब देखता हूँ काफी। मुझे साइमन रोस्टिंग के मामले में मुझे साइमन ज्यादा अच्छा लगता है। साइमन तो सांप है। ओ भाई, तू कैरी के बारे में फालतू कैसे बोल रहा है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कुछ यार। कैरी मतलब कोई हेट बनता ही नहीं है यार, तो कुछ बन जा, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझता गया अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप लोग ज्यादा दिल पे ले रहे हो, कोई हेट या कोई जेलसी नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है ये सब होने का। बस मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है कि मैं किसको पसंद करता हूँ। अपने आप को समझती क्या है भाई, तू भाई बच्चे को मत लिया कर वीडियो में तुम दोनों। अरे नहीं यार, आप लोग ज्यादा दिल पे ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मतलब मेरा मतलब नहीं था, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। अब देख तू, रुक तेरी मां, जो सोचता हूं मैंने बोल दिया, बट आई एम सॉरी। बंद है तू तो, तेरी उस मोटी की शक्ल ना मैंने जैसी है। अबे तुम दोनों वाले हो, मैं पहले कुत्तों को बच जा उसके सामने। तेरी वीडियो देखना बचा अपने आप को। ओ अंकल, कैसी मत पैदा करी है तूने? तेरा बाप भी वाला है तेरी तरह। ये देखो तू, चुप की फोटो, ये तेरी बहन तो बिल्कुल जैसी लगती है। वो तेरी बहन दोनों मां। अरे भाई कैसा है? भाई अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, शेरवानी सिलवा लो, आना ही आना है। ये लो। कितना कुत्ता आदमी है ना। तो भाई भी बोल रहा है और मेरी बहन की शादी है, हमारी बहन की शादी है, और शादी पे क्या आना होता है? खाना बनाने भी आऊंगा, टेंट लगाने भी आऊंगा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से देश में हाहाकार। यार समझ नहीं आता कौन सही कौन गलत। सोचा था ये वाली गवर्नमेंट आई ये कुछ अच्छा करेगी, सबका सेम हाल है। तेरे कहने का मतलब क्या है, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं यार, किया है, इतना दिल पे क्यों ले रहा है? मतलब और मुझे भी पता है इतनी जल्दी चीजें नहीं चेंज होती हैं, टाइम लगता है चीजों को। बट यार मेरा ये मानना है कि कभी कभार ऐसा लगता नहीं कि यार ये वाला डिसीजन नहीं जरूरी था, इससे बड़ी चीजें और हो रही है देश में, अगर उस पर थोड़ा ध्यान दे दे तो। अच्छा, जो तेरी कांग्रेस है उसने देश के लिए बहुत काम कर लिया जैसे, है ना? ये मेरी कांग्रेस कब से हो गई? और सबसे पहली बात तो यार, हम अभी तक पास्ट में क्यों हैं? उन्होंने जो किया वो किया, मैं कहाँ कह रहा हूँ उन्होंने सही किया, उन्होंने भी गलत किया, बट हमारा टॉपिक होना चाहिए कि करेंटली क्या हो रहा है। और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है। ऐसा है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज तक किसी भी पीएम ने इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने किया, उनके ना रिस्पेक्ट करना सीख ले। तू साडे देश में रह रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है, और खुद को ना खुदा मत समझ, ठीक है ना? तेरे को क्या बोलूं मैं रिस्पेक्ट का यार, तुम पता कौन सा पीएम डिजर्व करते हो? वो गूंगा पीएम, जो बस भीगी बिल्ली की तरह ऑर्डर फॉलो करता है। तुम्हें वही पीएम सही लगता है, गूंगा? भाई एक सेकंड, पहली बात तो कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, और मेरा पूरा हक बनता है अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का, मानता है ये बात? और मैंने हमारे प्रधानमंत्री को गाली भी नहीं दी है, इससे मैं कोई एंटी नेशनलिस्ट नहीं बन रहा। और दूसरी बात, जिस इंसान को तू भीगी बिल्ली और वो गूंगा बोल रहा है ना, वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। शादी में बताइयो। अरे सुन तो यार भाई। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये यहां मत लगाया करो गाड़ी, ठीक है? क्यों? ये मेरी जगह, मैं ही पार्क करता हूं। भाई साहब ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ये आपकी जगह है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैं आया मैंने लगा दी। ऐसा है मान जा, मैं ही लगाता हूँ। हाँ लगा लेना, मेरे से पहले आओ तो आप लगा लेना, मैं आया हूं तो मैं लगाऊंगा, खत्म बात। नहीं मान रहा ना, कल गाड़ी की हालत देख लियो अपनी, ठीक है? कर लेना जो करना है, मैं तो यहीं लगाऊंगा। बताता हूँ साले,
क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई सोनू। क्या चल रहा है सब भाई? आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने लेकर आया हूँ कि उसके बाद आप ही डिसाइड करें कि इसका क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसको आपको देख के ही पता लग जाएगा कि हमारे देश में कितने बुरे हालात हैं। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, ये पाकिस्तान का झंडा है और ये लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद। देख रहे हो भाई, हमारे देश में रह के हमारे साथ ही गद्दारी करी जा रही है, हमारा नमक खा के ये देशद्रोही यहाँ बैठे हैं। देख लो भाइयों, मैं कह रहा हूँ कि इतनी नफरत है इनके दिलों में तो मेरे ख्याल से हमें केरोसिन, पेट्रोल, तेल जो मिल रहा है भाइयों, आग लगा देनी चाहिए। ये मतलब इस गाड़ी को आग लगा दो, इस नफरत को आग लगा दो, दिखा दो भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम क्या कर सकते हैं और अब हम चुप नहीं रहने वाले। मैं आपको इस गाड़ी का नंबर भी बता देता हूँ, इस गाड़ी का नंबर है DL2CA12812। अब आपको डिसाइड करना है, ये गीता कॉलोनी 11 ब्लॉक में खड़ी होती है। भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये दिखा दो लोगों को कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। जितना शेयर कर सकते हो करो, आग लगा दो इस गाड़ी को, आग लगा दो ऐसे लोगों को, आग लगा दो इस वीडियो को, बिल्कुल भाइयों फैला दो, गाड़ी को आग लगा देंगे। अब देखता हूँ क्या कर लेगा साला। शुरू हो गए, तुमने कहा था आज काम खत्म हो गया तुम्हारा। बस 5 मिनट यार, 5 मिनट इस घर में 5 मिनट कभी भी नहीं होते हैं, 5 घंटे होते हैं हमेशा। और तुम्हें कभी शर्म आती है तो मेरी हेल्प कर दो, कभी नहीं हुआ कि बेबी लाओ मैं कुछ घर के काम में हेल्प कर दूं ना। इनकी जिंदगी लैपटॉप से शुरू फोन पे खत्म हो जाती है। कमाल हो गई है यार, हद कर दी है इस आदमी ने, फोन पे लगने के लिए 4-4 घंटा निकाल लेगा, मेरे साथ 5 मिनट निकाले। कभी तसल्ली से पूछे क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ ठीक है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। प्याज खत्म हो गए हैं, मुझे जाने पड़ेंगे, याद तो कुछ करने। जरा तुम फिर घर छोड़ के जा रही हो? मानने जा रही हूँ। सुनो तो यार, ये देखो गाइस, ये हमारे देश में क्या हो रहा है, ये क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। शिट मैन, ये सोसाइटी कब सुधरेगी? आज भी कैसे औरत को ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, ऐसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। कोई कैसे किसी लड़की को रुला सकता है, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। अरे यार, इनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है, कैसे हैंडल कर रहा है इसको ये आदमी। अगली बार पता करके बताओ यार, कोई जांच के वही मारो इसको सारे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियो वहां जाके स्टार लेना चाहिए था ना। पर तुम्हारी क्या गलती थी, तुमने तो कुछ भी नहीं किया था, तुम तो मेरे पीछे पीछे मुझे मनाने के लिए आए थे। क्या हो गया आजकल के लोगों को, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी को भी जज कर लेते हैं। सच क्या था, कौन सही था, कौन गलत था, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं करी, बस अपनी नफरत लेकर निकल पड़े तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। इन लोगों की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, तुम्हारी इज्जत चली गई, पर तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी। हाय गाइस, तो सबसे पहले एक चीज मुझे क्लियर करनी है कि जिस भी मैंने क्रिएटर या पॉलिटिशियन या किसी जेंडर के बारे में हमने वीडियो में बात करी है, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो इसलिए यूज़ किया है ताकि वीडियो रिलेटेबल बन पाए और आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ आ पाए। पर क्यों 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 मुझे ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है आप लोगों को, क्यों मेरे अंदर एक डर है कि लोग मुझे सुनाने वाले हैं, लोग मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे सकते हैं इस बात पर, या फिर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। क्यों, मतलब ये बोलना भी क्यों पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यार इंटरनेट ना एक टॉक्सिक जगह बन गई है। तो क्या होता था ना, पहले आपको किसी को मारना होता था ना तो ये वेपन यूज़ किया जाता था, बट आजकल यही काफ़ी है, इसमें आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए।
इसके अगर मैं फायदे बोलूं या इसकी जरूरत बोलूं तो ये हो सकती थी कि इंसान अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको यूज कर सकता था, बट इन चीजों की वजह से वॉर होने लगी। इसके भी बहुत फायदे थे, इसके फायदे थे कि हम लोगों से करीब जुड़ रहे थे, हम टेक्नोलॉजी के बारे में पता कर रहे थे, हम पढ़ाई कर सकते थे, हमें ऐसी चीज़ें पता चलती थी जो शायद न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते, ऐसी चीज़ें हमें इससे पता चली हैं। बट अब इसका भी ऐसा यूज़ होने लग गया है ना कि यार लोग मर रहे हैं, लोग या तो एक दूसरे को नीचा दिखा के मेंटली मर रहे हैं, या फिर इसके थ्रू दंगे होना इतना इजी हो गया है, फेक न्यूज़ इतना इजी हो गया है ब्रॉडकास्ट करना कि इससे ये चीज़ें हो रही हैं अब। और इसमें अब कोई फ़र्क ही नहीं बचा है। हर चीज़ में ना एक लिमिट होती है, आप लोग को ना एक दायरे में रहना होता है हर चीज़ में। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना तो आप चीटिंग नहीं कर सकते, अगर आप दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हो तो आप दारू तक पी लो, बट वही दारू अगर आप जब ज़्यादा पी लेते हो ना तो वही दोस्तों के बीच आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसी इंटरनेट यूज़ करने की एक लिमिट होनी चाहिए यार, आप यूज़ करो उसको अपने फ़ायदे के लिए। आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जो आसपास कहीं नहीं हो रही होती है, ऐसी न्यूज़ मिलती है हमें जो शायद न्यूज़ चैनल नहीं दिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई में इतना एडवांस हो गया है कि यार बंदा फ़ोन पर बैठे बैठे पढ़ लेता है। अकेला इंसान जो पिछले टाइम पर मतलब अकेला रहता था, डिप्रेस रहता था, इसकी वजह से डिजिटली इतना कुछ देखता है और करता है कि उसका टाइम पास हो जाता है पूरा पूरा दिन। पर वही हमने क्या करा, इसका हमने लाइन क्रॉस कर दी, हमने इसी के थ्रू मतलब मैं कहूँगा इसका फ़ायदा इतना तक होता है कि यार आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, आप किसी को बूस्ट कर सकते हो। जैसे आप मतलब आपके सामने एग्जांपल खड़ा है, एक सबसे बड़ा करियर बनते हैं लोगों के इस चीज़ से। तीन बातें बोलूँगा बस। पहली बात, हर इंसान का ना एक ओपिनियन हो सकता है, उसकी एक साइड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो आपकी साइड ले या आपके ओपिनियन से अग्री करे, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। नहीं कर सकते चुप हो जाओ, जरूरी नहीं है आप उसको अपना डिसीजन थोप दो कि नहीं तू मान इसको। दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करो, एक लिमिट तक रुक जाओ। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, आर्ग्यूमेंट्स तक बहुत ज़रूरी है कि हो जाए, आप उसको कन्विंस कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे पॉइंट्स हैं, बट अगर वो नहीं मान रहा तो यार छोड़ दो, मतलब बस ख़त्म, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको रहने दो वहाँ तक। और दूसरी बात, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, और इंसानों से गलतियां होती हैं, तो अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो या तो उसकी गलती समझो, माफ़ करना सीखो, बहुत बड़ी गलती है सुना दो, समझा दो, उससे ज़्यादा बड़ी गलती है तो उस बंदे को उसके लेवल तक तुम गालियां दे दो। मतलब एक होता है ना, क्रिटिसाइज़ करना एक वैलिड पॉइंट है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ किसी बात पर कर सकते हो, पर हम आजकल क्या करने लगे हैं, हम माँ बहन की गालियां तक पहुँच गए हैं, हम उसके कैरेक्टर को जज करने लगे हैं, हम अगर रेप थ्रेट्स वगैरह देने लगे हैं, हम ऐसी ऐसी धमकियां देने लगे हैं कि यार जहां मिलेगा वहां मार दूंगा, या आप समझ ही रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ। ये गालियां आप किसी के मुंह पे नहीं दे पाओगे, ये गालियां आप फ़ोन के पीछे बैठ के दे रहे हो, हम फ़ोन के पीछे बैठ के हम ये गालियां लिख सकते हैं, बट हमारी इतनी हिम्मत नहीं हम सामने से दे पाएंगे शायद। अब तीसरी बात, ये कॉइन दिख रहा है आपको, आपको बस ये साइड दिख रही है, ये साइड नहीं दिख रही है। अभी सोशल मीडिया पर यही होता है, कोई वीडियो वायरल होती है, कोई भी टॉपिक वायरल होता है, हमें बस ये साइड दिख रही होती है, हमें नहीं पता कि पीछे स्टोरी क्या है उसकी, या फिर क्या रीज़न है, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, और हम ये साइड देखते ही ऐसे बौखला जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम चालू हो जाते हैं, हम वीडियो को हर जगह वायरल कर देते हैं बिना जाने, बिना देखे कि कौन सी मतलब किसी ऑथेंटिक जगह से वो आई भी है कि नहीं, कुछ भी आता है हम पागल हो जाते हैं। तो यार हर सिक्के के जैसे दो साइड होते हैं ना, ऐसी हर स्टोरी की, हर सोशल मीडिया वीडियोस की दो साइड्स होती हैं, तो ऐसी किसी हर चीज़ पे बिलीव हमें नहीं करना। और यार ये चीज़ आजकल ज़्यादा हो रही है, उसका ऑब्वियस रीज़न है कि हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई परेशान है किसी ना किसी रीज़न से, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल चल रही है यार। बट यार हमें ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ थोड़े आराम से समझनी होगी खुद को कि यार ये एक कोरोना की तरह है, जैसे कोरोना फैल रहा है ना वैसी ये नेगेटिविटी और ये फ्रस्ट्रेशन फैल रही है। मतलब मैं कल को फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में किसी को कुछ बोल दूं, वो आगे फॉरवर्ड उसको करेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आगे कहीं निकालेगा, तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो बस यार अब यही कहूँगा कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करो, हो गया, बहुत हो गया है, आप किसी की गलती पर गाली देके खुद और ज़्यादा गलत हो जाते हो, तो ये चीज़ रहने देते हैं। आप पॉजिटिविटी लेके आते हैं,
हम और आप लेके आएंगे, ऐसी लोग आगे लेके आएंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे, एक से भले तीन, तीन से भले नौ। तो कोशिश करते हैं कि जैसे आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कुछ अच्छा कमेंट करके मेरा दिन बनाओगे, मैं आपको वीडियो एंटरटेन करके आपका दिन बनाता हूँ, ऐसे ही आप अपने पर्सनल लेवल पे जितने दोस्तों का दिन बना सकते हो अच्छा बोल के, अच्छा कमेंट करके ही बनाया करो। कुछ किसी से गलती हो जाए तो उसको बोल दो, यार तुझसे ये गलती हुई है, या फिर प्यार से बोलोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी ज़्यादा समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा वीडियो से आपको कुछ समझ आया है। कमेंट करके मुझसे कोई गलती इस वीडियो में हुई है तो मुझे बता देना, मतलब आराम से समझा देना मुझे, ठीक है? तो ये भी आप करना। एक मैंने कुछ इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था कुछ टाइम पहले, वो मैं इसके बाद प्ले करने वाला हूँ। आई होप आपको वो भी पसंद आए, और बस प्यार देते रहना, लाइक कॉमेंट और सपोर्ट। थैंक यू। इतनी नफरत क्यों? कोई मलाल है या सदमा? बेवजह इतनी जिल्लत क्यों? रोज एक मुद्दे पे जंग कर बैठते हो जनाब, इतनी नफरत क्यों? इंसानियत को मजहब के नाम पर बांट कर इंसानियत के दो टुकड़े क्यों? हर मजहब का खून जब लाल है तो इतनी नफरत क्यों? जब हर रंग खूबसूरत है तो गोरा इतना अजीज क्यों? उस रंग के अंदर एक खूबसूरत रूह भी तो है, फिर आखिर इतनी नफरत क्यों? कोई कुछ भी पहने, कैसे भी रहे, उसकी जिंदगी से तुम्हें इतने मसले क्यों? तुम्हारी जिंदगी का ढंग नहीं छीन रहा कोई, तो बेवजह इतनी नफरत क्यों? वो सूट पहने, स्कर्ट पहने या एक टाइट टॉप, उसके कपड़ों से छोटी तुम्हारी सोच क्यों? क्या कपड़ों का भी बंटवारा होने लगा है कि मर्द पहने तो कूल और औरत पहने तो नॉट सो कूल? कुर्सी के लिए एक दिन लड़ेंगे और दूसरे दिन साथ होंगे, इस गंदी राजनीति में आपस में इतनी गंदी लड़ाइयां क्यों? मोटा पतला, नाटा लंबा, हर किसी के इतने नाम क्यों? क्या खुद में तुम खुदा हो कि कोई कमी नहीं है? नहीं ना, फिर बेवजह इतनी नफरत क्यों? देखो दो बातें हैं, या तो एक नेगेटिव कमेंट करके आप किसी को डिप्रेस या डीमोटिवेट कर सकते हो, या एक पॉजिटिव कमेंट करके आप किसी का दिन बना सकते हो, एक डिप्रेस्ड आदमी को मोटिवेट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, सो स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड सेलिब्रेट टुगेदरनेस। लेट्स मेक सोशल मीडिया फ्री फ्रॉम हेट।